brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जरा देखिए ये नेताजी का अंदाज जरा हटकर है। आपने कई अंदाज में प्रत्याशियों को नामांकन के लिए पहुंचते देखा होगा, पर यहाँ नेताजी बैलगाड़ी से पहुंच गए। अगल बगल जिंदाबाद के नारे और बैलगाड़ी पर ढोलक बजाते खड़े निर्दलीय प्रत्याशी अमरेश राय। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिर नेताजी ने ऐसा क्यों किया, उससे पहले एक बार खबरों की हेडलाइन बन गए इस वीडियो को देखिए। दरअसल हुआ यूं कि लोकसभा चुनाव में उजियारपुर से निर्दलीय प्रत्याशी अमरेश राय को हेलीकॉप्टर से आने का परमिशन नहीं मिला, तो वो बैलगाड़ी से नामांकन के लिए पहुंच गए। बता दें, आरजेडी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अमरेश राय ने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर नामांकन करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर से नामांकन करने का परमिशन नहीं दिया गया, तो अमरेश राय ढोल नगाड़ों के साथ बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंच गए। जब अमरेश राय से उनके इस अनोखे अंदाज को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम किसान भुइयां बाबा का देवता खुश होते हैं मानने से, तो हम किसान के बेटा हैं, तो हमारा जो सवारी है उस सवारी से आए हैं। हम भी चाहे थे हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन करें, लेकिन एडीएम साहब परमिशन नहीं दिए, कहे जो सभा करने के लिए देंगे, घोर से आप उस पर चौहर के यहाँ गिराइएगा तब तो नहीं देंगे। इसमें नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी प्रशासन को अपना दबाव में हमको हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं दिए, तो हमारा जो किसान का अथी है हम बैलगाड़ी से अथी किए। हम किसान का बेटा है और दोनों जानते हैं अरबपति खरबपति है, पैसा देकर दो बार चुनाव जीत गया, इस बार उन लोग को दाल नहीं गलेगा और किसान के बेटा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और लोकसभा में पहुंचेंगे, क्योंकि हम भी किसान के बेटा हैं। तो महंगाई इतना बढ़ गया नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, जो 400 का सिलेंडर था आज 1200 1000 में मिलता है, सब चीज बेच दिए, सब एरोप्लेन सब हवाई अड्डा सबको गिरवी रखने का काम किए। हम वहाँ जाके कर्पूरी के धरती के बेटा है, हम वहाँ जाके संसद में मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे और बाहरी जो है बाहरी दोनों को भगाने का काम। अब नेताजी हारेंगे या जीतेंगे ये तो बात की बात है, पर फिलहाल अमरेश राय का यह अनोखा नामांकन का अंदाज खबरों में जरूर छा गया है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।